हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। एंड आज हम लोग यहाँ पे जिस्पा में, जो कि 10,890 फीट है, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रुके हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा है यहाँ पे, और दिस इज़ अवर होटल। और यहाँ पे हम लोगों ने बाइक वाइक पार्क कर दी। ये पूरा इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो होटल का नाम है, दैट इज़ थोथैंग हाउस। अगर आप लोगों को चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अभी हम निकल रहे हैं मिशन ऑस्मो। गुम हो गया था मेरा कल। कल हुआ क्या, एक्चुअली हम लोगों से हम लोगों ने टॉप रैक पे माउंट किया हुआ था ऑस्मो। तो हम लोग टॉप रैक पे जो है डीजे ऑस्मो, मतलब हम लोगों ने माउंट किया हुआ था, बट आई डोंट नो कहाँ पे गया, कहाँ पे टूटा। तो फिर उसके बाद में हम लोग जब पहुँचे होटल के रूम पे, देन मैं अपनी फोटोज देख रहा था जितनी भी थी, तो एट वन पॉइंट वी हैव नोटिस्ड कि वो तांडी के पहले ही गिर गया था। कल मैं जैसे वापस भी गया था वहाँ तक, तांडी के बाद नहीं, मतलब बाद में नहीं गया, पेट्रोल पंप और तांडी पुल के बीच में कहीं गिरा। तो आई डोंट नो, वहाँ पे कुछ ऐसे जर्क भी नहीं आया था, बट गिर गया। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि मिल जाए। कल स्टार्ट करेंगे उसके लिए। और अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं तांडी पेट्रोल पंप, वहाँ से एक बैरल और भर के ले आएंगे, क्योंकि हम लोगों का अभी वापस जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आके टॉप अप करना पड़ेगा सबका दोबारा से। तो लेट्स सी क्या होता है। हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं अपना डीजे ऑस्मो ढूंढने, जो कि तांडी पेट्रोल पंप के और तांडी पुल के बीच में कहीं पर गिर गया। और काफ़ी अच्छा स्टे है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पर, एंड द स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जो भी हम लोग बोल रहे हैं खाने के लिए बना के लेके आते रह रहे हैं। तो अभी प्लान आज ऐसा है कि कल फाजिल भाई का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल काफ़ी डाउन चला गया, तो उसकी वजह से उनको लेके जाना पड़ा केलोंग के एक हॉस्पिटल। तो अभी वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे है। तो यह होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे अगर जाते हैं तो, जो ऑल्टीट्यूड है यहाँ का जिस्पा का, दैट इज़ 10,880, तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी सीन ऐसा है कि आज हम लोग यहीं पे जिस्पा में रुकेंगे, सेम होटल में, और जो होटल का प्राइस है दैट इज़ 1,000 रुपीज़ मिनिमल चार्ज है, और स्टे भी इवन अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। कल ये निकल लेंगे। हम लोगों ने वैसे भी प्लान जो भी लिया था, 2-3 डेज का बफर है हम लोगों के पास में। तो यहाँ पर देखो कितना मस्त वाला व्यू आ रहा है, और पूरा सन राइज़ हो चुका है, तो अभी यहाँ पे पूरा धूप पड़ेगा। तो अभी ये मैंने सोलेस के जो राइडिंग ग्लव्स लिए थे ये निकाल लिए हैं। अभी तो थोड़ा सा मॉर्निंग में ठंडा है, जो टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग तक गया था दैट वाज समवेयर अराउंड 7 डिग्री, तो अच्छा खासा ठंडा हो रखा है। थोड़ा सा बोलने में भी हो जाता है जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वैसे इतना बोल दिया मैं फड़फड़ करके। बेटर ये है कि आप लोग मनाली से डायमॉक्स खाना शुरू कर दो, और उसके बाद में जब तक मनाली तक वापस नहीं आते तब तक आप डायमॉक्स खाओ, जिससे कि आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो। तो वो चीज़ मच रिकमेंडेड है जो भी लेह लद्दाख राइड किए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाने से बहुत ज़्यादा फेंट होने का चांसेस रहता है, विच इज़ लाइक लाइफ रिस्क है। अभी यहाँ से चलने वाले हम लोग तांडी तक, और यहाँ पे अटल टनल 58, और जो हम लोगों ने तांडी दिखाया है दैट इज़ अराउंड 33 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग। और जस्ट होप में जा रहे हैं कि हम लोगों को मिल जाए। तो यहाँ से जो वो वाली पहाड़ी दिख रही है, तो वो वाला अभी फ्रेश स्नो है। हाँ, लेट्स सी। ओके, ये जो अभी हम लोगों के साथ में जो रिवर चल रही है, दिस इज भागा रिवर। यहाँ पे जो ऊपर वाला माउंटेन्स है वहाँ पे कल ही फ्रेश स्नो गिरा है, और कितना कितना फीट का स्नो गिरा हुआ है। ऊपर माउंटेन्स में आप लोगों को हर टाइम पे स्नो मिल जाएगा पूरा। ओ माय गॉड, क्या रोड है। द बेस्ट ड्राइविंग्स आर अवेयर दैट दे मस्ट बी बीवेयर। व्हाट अ कोट, व्हाट अ कोट। यहाँ पे पत्थर देखो कैसे, पहाड़ी अलग सी है। ओ नाइस, पूरा नीचे कैंप है। एक बार दिखा देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी, वो देखो नीचे कैंप दिख रहा है, पूरा रिवर साइड में है, और आई थिंक किसी चीज़ का खेती भी हो रहा है वहाँ पे। नाइस यार,
तो अभी यहाँ पे धूप आ चुकी है मस्त एकदम, और छोटा छोटा कहीं पे कुछ ढाबा कुछ भी आपको मिलता रहेगा, सो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कभी भूख लग रहा है तो आराम से कहीं पे भी रुक के थोड़ा सा अपने को फ्यूल अप कर सकते हो। और देखो उस साइड वाले से सनराइज हुआ है, यहाँ पे पूरा धूप पड़ रहा है। स्तिनगिरी यहाँ से 8 किलोमीटर्स है। अभी इस टाइम पे थोड़े से ट्रक्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि दे आर गोइंग टूवर्ड्स ले, तो ये लोग तो आराम से स्लो स्लो चला के अभी पहुँचा देते हैं। ये लोग अपना पूरा बकरी भेड़, ये पहाड़ी बकरी है, पहाड़ी बकरी चरा रहे हैं। चलो चलो उस साइड से लेफ्ट से निकाल, कितनी मस्त लग रही है ना बड़ी। हटो 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 हटो, इसमें भेड़ भी है बा। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन वाला जो है पहाड़ी शुरू हो गया है, तो जैसे ही ऊपर ऊपर जाते जाते पूरा पत्थर वाला रहता है, पूरा बंजर हो जाता है ज़मीन, क्योंकि वहाँ पे मतलब प्लांट्स का भी सर्वाइवल इतना मुश्किल है, तो सोच सकते हो आप कितना हाइट होता है। तो यहाँ पे माउंटेन्स में मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि स्लो ही चलाऊँ, सेफली चलाऊँ, बिकॉज जहाँ पे दिखता है रोड सही समझ में आता है, बट जहाँ पे मेरे को नहीं दिखता मैं स्लो डाउन कर देता हूँ। सो गाइस ये देखो क्या मस्त वाला पहाड़ी दिख रहा है। नहीं आगे जाना है ना, वो देखो ना आगे आगे दिख रहा है अटल टनल, अटल टनल रोहतांग दिखा रहा है ना आगे। सो लेट्स सी वेयर वी गेट। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है, आई डोंट नो। तो दिस इज तांडी ब्रिज, यहाँ पे कुछ खा लेंगे, पांगी ढाबा है और छोटा मोटा शॉप्स है। तो कल वाले फुटेज में ये येलो वाले वायर के आसपास देखा था, बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। अगर वो एक्शन कैमरा यहीं पे गिरा था, उसका क्लैंप तो कोई नहीं लेके गया होगा। एक बार थोड़ा सा और आगे जाके, अरे ये क्या हो गया, पूरा मिट्टी। गाइस हम लोग अभी यहाँ से टैंक फुल करा के वापस जा रहे हैं। ऑस्मो जो था हम लोगों को वो तो मिला नहीं जिस लोकेशन पे जाके देखा, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो यही हो जाता है। थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोगों ने मिस कर दिया, गलती भी हम लोगों की थी। उसका जो टैग था वो लगा सकते थे, जिससे कि मतलब अगर टूटता भी तो हाँ उसी में ही रह जाता, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक उपासक फिलिंग स्टेशन यहाँ पे बन रहा है केलोंग में, बट दैट इज़ नॉट दैट फार फ्र�म तांडी, मतलब 7 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं पड़ जाएगा एज सच। मे बी कुछ नीड रहेगा तो उन्होंने बनाया होगा। तो हम लोग केलोंग पहुँच रहे हैं और यहाँ से फिर बैठा लेंगे फाजिल भाई को और जयदीप को। अभी ऑक्सीजन लेवल जो है वो तो थोड़ा सा सही आ गया है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक हो गए? चलो बढ़िया। एएमएस का मेडिसिन उठाना है, फार्मेसी पे रुकना, फार्मेसी पे किसी पे रुकना, एएमएस का मेडिसिन उठाना है और दूध खाना है। एएमएस समथिंग एसिटोसोल हां कैंसर से होता है, तुम पे रहना चाहिए यार के। हां ओके, हां वो सब थोड़ा उठाना है कहीं से। अच्छा ठीक है, अभी केलो मार्केट पे रुकते हैं। ओबे बैठो, चलो आ जाओ। नहीं इधर किलोंग मार्केट नीचे है क्या? ऊपर कुछ नहीं है? नहीं तो नीचे से कुछ नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है।